एक ऐसा खुलासा जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है, रईसी के आखिरी डेढ़ सेकंड। क्या हुआ इस आखिरी डेढ़ सेकंड में आपको बताएंगे। रईसी हेलीकॉप्टर हादसे पर यह सबसे नया खुलासा है। आपको बता दें कि रईसी के काफिले में शामिल दो हेलीकॉप्टर के अधिकारियों ने रिपोर्ट दी है, खराब मौसम की जानकारी नहीं थी। रईसी के हेलीकॉप्टर को कोई ऐसी सूचना नहीं दी गई कि खराब मौसम है, ये रिपोर्ट में कहा गया है। मौसम साफ था, अलर्ट नहीं था, ये भी रिपोर्ट में कहा गया है। हादसे की जगह पर कोहरा नहीं था। उड़ान के 45 मिनट बाद रईसी के हेलीकॉप्टर ने चेतावनी दी है। और इसी से जुड़ी हुई दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रईसी के हेलीकॉप्टर ने बादल के ऊपर चलने के निर्देश दिए थे। गायब होने से डेढ़ सेकंड पहले रईसी के हेलीकॉप्टर से अलर्ट मिला था। गायब होने के बाद रईसी के हेलीकॉप्टर में सवार सिर्फ एक आदमी से संपर्क हुआ था। हेलीकॉप्टर में सवार आयतुल्ला ने कहा था कि तबीयत ठीक नहीं है। और आपको बताते हैं कि रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे की जो प्राथमिक रिपोर्ट सामने आई है, जो शक जताया जा रहा था वो पुख्ता होता जा रहा है। इस रिपोर्ट में इस पूरे हादसे में डेढ़ सेकंड का हिसाब नहीं मिल रहा है। इसी डेढ़ सेकंड में रईसी की मौत का रहस्य छिपा हुआ है। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि प्राथमिक रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ, साथ ही हादसे से ठीक पहले डेढ़ सेकंड में क्या कुछ हुआ उसकी भी जानकारी आपको आइए जल्दी से दे देते हैं कि रिपोर्ट में क्या कुछ है। प्राथमिक रिपोर्ट में मौसम साफ था, खराब मौसम की कोई चेतावनी नहीं थी। उड़ान के आधे घंटे बाद बादल का टुकड़ा दिखा, लेकिन किसी तरह का कोहरा नहीं था, महज जमीन पर कोहरा मौजूद था। अब उस जो डेढ़ सेकंड में क्या कुछ हुआ आपको बताने जा रहे हैं। 19 मई को 1 बजे हेलीकॉप्टर ने टेक ऑफ किया। 45 मिनट बाद रईसी के पायलट ने चेतावनी दी, अन्य दो हेलीकॉप्टरों को बादलों के ऊपर चलने के निर्देश दिए। हादसे से डेढ़ सेकंड पहले अलर्ट दिया गया, यानी डेढ़ सेकंड का हिसाब नहीं है। तो यानी मौसम खराब था न कोहरा था, लेकिन फिर भी ईरान के राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए। इस हेलीकॉप्टर हादसे के चश्मदीद ने क्या गवाही दी है अब आपको वो बताते हैं। हेलीकॉप्टर गिरा और जो चश्मदीद ने कहा है, अन्य दो हेलीकॉप्टरों ने पूरे इलाके में चक्कर लगाए। अचानक गायब हुआ रईसी का हेलीकॉप्टर, यानी ये जो कॉन्वॉय में से अचानक से जिस हेलीकॉप्टर में रईसी बैठे हुए थे वो हेलीकॉप्टर गायब हो गया। हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ रहे हैं इसी बड़े खुलासे के साथ। सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही मनीष झा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सुमित आपका रुख कर रही हूं। सुमित आपसे आपके पास आऊंगी। मनीष के पास कुछ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। मनीष, क्या इस वक्त खुलासा हुआ इससे जुड़ा हुआ? बात यह है कि तो ये सवाल यह है कि क्या रईसी की हत्या हुई थी, क्योंकि जो खुलासा हुआ है वो इसी बात की ओर इशारा कर रहा है कि दाल में जरूर कुछ ना कुछ काला है। मौसम साफ था, कोहरे का सवाल ही नहीं था, तो आखिरकार समस्या क्या आई? उस दिन जो कुछ हुआ वो डेढ़ सेकंड के बाद ही हुआ। चार विंडो में इस पूरे सनसनीखेज खुलासे को आपको रखने की कोशिश कर रहे हैं। डेढ़ सेकंड के बाद जो कुछ भी हुआ, जब आखिरी बार अलर्ट भेजा गया था, वो देखिए सनसनीखेज खुलासा हुआ है। मर्डर थ्योरी लगभग कंफर्म हो गई है। मौसम साफ था ये कहा गया है, सवाल ये कि फिर क्रैश हुआ तो फिर हुआ कैसे? हमारे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। सुमित, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। डेढ़ सेकंड का आखिरी कन्वर्सेशन था, पहली रिपोर्ट आ गई है, मौसम साफ था, कोई अलर्ट नहीं था, फिर ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे? ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए बिल्कुल विपिन, कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब इस प्राइमरीली रिपोर्ट में दिए गए। सबसे पहले दो फैक्ट जो लगातार इस रिपोर्ट के आ जाने के बाद क्लियर हुए हैं। पहला फैक्ट ये है कि क्या मौसम खराब होने की जानकारी टीम को पहले थी, वो इससे पूरी तरीके से रूल आउट हो गया है। वो इससे पहले पूरी तरीके से क्लियर हो गया है कि ऐसी कोई जानकारी टीम को नहीं थी। मौसम साफ था, लगातार हेलीकॉप्टर ने जब 1 बजे करीब अजरबैजान से टेक ऑफ किया उसके 45 मिनट तक साफ था, और उसके बाद 45 मिनट के बाद पहली बार जो रईसी के पायलट थे उन्होंने जानकारी दी बाकी दो पायलट को कि देखिए कुछ कुछ जगह पैचेज हैं, आप हाइट ले लीजिए हेलीकॉप्टर की ताकि आप बादलों के ऊपर से लेके आगे निकल जाएं। और ये कहने के बाद डेढ़ सेकंड के बाद
महज 1.5 सेकंड के बाद विपिन वो हेलीकॉप्टर गायब हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दूसरा सबसे बड़ा फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या था इस पूरी खबर में कि आखिरकार जो हेलीकॉप्टर दो थे आखिरकार वो उस इलाके में क्यों नहीं पहुंचे, क्या वो कम्युनिकेशन में थे? तो इसकी भी जानकारी लगातार अधिकारियों द्वारा दे दी गई है। उन्होंने कहा है कि देखिए हम जानकारी में थे, हमने जब 1.5 सेकंड के बाद तक कोई वो नहीं हुआ तो हम वापस गए और हमने उस इलाके के कई बार चक्कर लगाए, हमने कई बार संपर्क करने की कोशिश की और तरवेज के जो लगातार जो आप कह सकते हैं कि उनके 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 वो थे उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई और उन्होंने ही कई बार संपर्क करने के बाद ये बात कही कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो उनको नहीं पता क्या हुआ है लेकिन वो पेड़ों के बीच में है और इस इलाके के बारे में जानकारी वो नहीं, महज कुछ सेकंडों की उनकी बातचीत हुई और उसके बाद वो कम्युनिकेशन पूरी तरीके से कट गया। तो ये कई फैक्ट्स हैं जो लगातार अब प्राइमरीली जो आप कह सकते हैं कि जो रिपोर्ट है उसमें दिया गया और ये रिपोर्ट किसने दी है ये वो उन अधिकारियों ने दी है जो बाकी के दो हेलीकॉप्टर्स में मौजूद थे। तो ये निश्चित तौर पर कई फैक्ट्स को क्लियर करता है और कई फैक्ट्स को रूल आउट भी करता है, कई सवाल भी खड़े करता है कि आखिरी 1.5 सेकंड में हुआ क्या, क्या बातचीत हुई और क्या अगर ये रिपोर्ट सामने आई है तो क्या मर्डर थ्योरी कंफर्म होती है। सुमित आपके पास आऊंगी, मनीष भी हमारे साथ हैं। एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें, रईसी की मौत पर सनसनीखेज दावा सामने आया है। रईसी के चीफ ऑफ स्टाफ का खुलासा हुआ है, गुलाम हुसैन इस्माइली ने कहा है कि जहां हादसा हुआ वहां कोहरा नहीं था। जब हम हेलीकॉप्टर में थे मौसम बिल्कुल साफ था, पूरी तरह से धूप खिली थी, सब कुछ अच्छा था, मौसम में कोई बड़ा बदलाव जैसा कुछ नहीं था। हमारे हेलीकॉप्टर बादलों के ऊपर चढ़ गए, हम हेलीकॉप्टर नंबर 3 थे, हमारे बीच में राष्ट्रपति को ले जाने वाला हेलीकॉप्टर था और सामने एक और हेलीकॉप्टर था। जब हम बादलों के ऊपर थे लगभग 30 सेकंड तक मार्ग पर चलने के बाद हमारे पायलट ने देखा कि मुख्य हेलीकॉप्टर हमारे साथ नहीं था, हमारा एक हेलीकॉप्टर नहीं आया। हमें लगा कि उसने इमरजेंसी लैंडिंग कर ली होगी क्योंकि हमारा रेडियो संपर्क टूट चुका था और जब हमने संपर्क करने की कोशिश की तो उधर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।